हेलो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का सीज़न चल ही रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में कुछ ठंडा ठंडा चटपटा सा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम मैंगो कुल्फ़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ही चटपटी बनती है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पे हम आम से दो रेसिपी बनाने वाले हैं। आम पन्ना बनाएंगे और उसी से हम मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे। तो मैंने इनको छिलकों के साथ बॉईल कर लिया है। जनरली मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इनको पील करके फिर बॉईल करती हूँ, बट मेरे पास टाइम भी नहीं था। एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं बाहर से घूम के आती हूँ, जब तक ये बॉईल भी हो जाएंगे। तो जब तक मैं तैयार हो रही थी तो ये बॉईल हो गए थे, मैंने ऐसे ही लगा दिए थे वॉश करके, और अब मैं इनका पल्प निकाल ले रही हूँ। क्योंकि आज सैटरडे भी है, वीकेंड है, तो ऑब्वियसली मेरे पास टाइम ही है, तो मैं आराम से इनका पल्प निकाल लूँगी और आराम से कर लूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे ईजी मेथड यही होता है कि आप मैंगो को, कच्चे मैंगो को पील कर लीजिए। पील करने के बाद इनको बॉईल करने के लिए रखिए, तो ये क्या बहुत इजी पड़ता है। इस तरीके से पल्प निकालना थोड़ा सा लिटिल डिफ़िकल्ट होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज वीकेंड है और मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने इनको बॉईल कर दिया बिच छिलका। तो यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो हम इनकी पल्प निकाल लेंगे, इनमें जो गुठली है वो निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इससे हाथ से मिक्स करते हैं, अगर ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा बारीक सा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी का हम पना बनाने वाले हैं और इसी से हमको कुल्फ़ी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका सारा पल्प निकाल लिया है, इसके छिलके वगैरह निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे 1 किलो मैंगो थे, 1 किलो मैंगो से अप्रॉक्स 3 लीटर अप्रॉक्स मैंगो पना बन जाएगा और हमारी 4 से 5 हमारी मैंगो कुल्फ़ी बन जाएंगी इतनी ही मैंगो से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के इसको बारीक कर लिया है ताकि जो कंसिस्टेंसी हो बहुत ही अच्छी हो जाए। अब इसमें मैंगो पना बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे और कुछ मसाले डालते हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा होता है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम 2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे। जीरे को तवे पे रोस्ट कर लेंगे या फिर माइक्रोवेव में रख दीजिए रोस्ट करने के लिए, फिर इसको पीस लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है बारीक, 2 चम्मच है, बारीक कर लिया है, 2 चम्मच है, इसमें डाल देंगे। हाँ गाइस, मैं एक चीज़ शूट करना भूल गई थी, वो है गरम सॉरी वो है काला नमक। काला नमक इसमें ज़रूर डालना है, इससे टेस्ट भी बढ़ता है एंड डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, जो कि मतलब गर्मियों में बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे शुगर भी मैंने पीस के रख ली है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि वो घुल जाती है डायरेक्ट खड़ी चीनी भी, लेकिन मैंने यहाँ पे पीस ली है, 1 पाव पीसी है, तो पूरी नहीं डाल रही हूँ, एक बार डाल के टेस्ट कर लूँगी। अगर अच्छा फ्लेवर है, मीठा है, तो रहने दूंगी, अदरवाइज थोड़ा कम लग रहा है तो और डाल लूँगी। सॉरी गाइज, मुझे बहुत ही मीन्स कोल्ड हुआ है तो इस वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था, तो थोड़ी सी शुगर और डाल दी है और काला नमक डाल दिया है। तो ये जो मतलब एनर्जेटिक वाली रेसिपी है, इसमें काला नमक भी है और शुगर भी है, तो बहुत ही एनर्जेटिक है। अब इसमें हम पानी डाल के रख देंगे। हाँ, तो पानी पानी डालने से पहले मैं गाढ़ा सा जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम बचा लेंगे, थोड़ा सा साइड में रख दिया है। इससे हम कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि कुल्फ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो मतलब पानी पानी सी लगेगी कुल्फ़ी, अच्छी नहीं बनेगी आइसक्रीम, इसलिए। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 लीटर पानी डाल दिया है और इसको मस्त फ्रिज में रख दूँगी और 1-2 दिन आराम से इसको पीते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी है। आप इसमें फ्लेवर के लिए पुदीने की, जो हरी पुदीने की पत्ती है, उसको डाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे पुदीना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। अब यहाँ पे कुल्फी जमाने के लिए मेरे पास मतलब फ़िलहाल ऑरेंज कलर अवेलेबल था, वो डाल दिया है। अगर ग्रीन कलर होता तो ग्रीन डाल देती, क्योंकि कच्चे आम की कुल्फी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर डालना है या फिर कलर अवॉइड करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मैंने कलर को मिक्स कर दिया और हम इसे जो आइसक्रीम मोल्ड होता है उसमें डाल देंगे और इस तरीके से इनको फिल करके हम फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। और अगर आपके पास मतलब आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो सिंपल हमारे पास जो चाय का डिस्पोजल होता है ना, उसमें भी हम आइसक्रीम को जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कटोरी वगैरह जो भी है, या बच्चों का छोटा ग्लास होता है जो, उसमें भी जमा सकते हैं, जो भी अवेलेबल है मीन्स घर पर उस तरीके से जमा सकते हैं। तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, इनको फ्रीजर में रख दूँगी 6 से 7-8 घंटे के लिए, 7-8 घंटे के लिए, फिर ये जम के तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको ये जो अपना डिस्पोजल है, चाय का डिस्पोजल है, उसमें दिखाती हूँ
तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वर्किंग मॉम्स के लिए ऐसी इजी रेसिपीज़ बताती रहूँगी, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ। हर बार बोला है कि वर्किंग होते हुए भी सब मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए, अब ये हम जो चाय के डिस्पोजल हैं इनमें जमा लेंगे, इनमें भी बहुत अच्छी जमती है, तो इनको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से जम जाती है। लेकिन गाइज़ मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि ये बनने के बाद मेरी बेबी ने, मैं बाद में सूट किया ना ये सब, तो मेरी बेबी ने पहले ही मतलब वो जम नहीं पाई थी प्रॉपर, और उसने दोनों डिस्पोजल की दोनों आइसक्रीम खा ली थी। तो ये वाला बस बचा है फिलहाल, इसकी भी एक उसने खा ली है, मैंने चार में जमाई थी ना, बस एक तीन बचे हैं, एक उसने खा लिया। देखिए इस तरीके से ये मैस जम कर तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से ये जो है बहुत ही चटपटी लगती है, मतलब जो पनीर का फ्लेवर है चटपटा सा, खट्टा मीठा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बच्चों को इस तरीके से घर पे बना के दे सकते हैं, बाहर की देने से अच्छा घर का दे, तो घर की चीज़ें हेल्दी ही होती है माँ के हाथ की बनी हुई। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर घर पे जरूर ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार, मैं वर्किंग होती हुई भी टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि वर्किंग मॉम्स को कुछ आइडियाज़ मिल सके, थोड़ी बहुत हेल्प मोटिवेशन मिल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में मोटिवेशन। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, कुल्फी बनाइए, घर पे बच्चों को दीजिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।